जैसे कबीर ने कहा था, बुरा जो देखण मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन खोजा अपना मुझसे बुरा ना मिला। जैसे ही हमारा माइंड लेवल लगाता है कि ये अच्छा है और ये बुरा है, उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। दोनों ही चीजें माइंड में, दोनों एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकते। एक को भी छोड़ दो, दूसरा अपने आप छोड़ दो। अच्छा ना मिलने की वजह से प्रॉब्लम, बुरा आने की वजह से प्रॉब्लम। बुरा ना आ जाए फिर से ये प्रॉब्लम, अच्छा चला गया तो क्या होगा ये प्रॉब्लम। आप इमेजिन करो कि अगर अभी मैं आप सबसे आपका पास्ट ले लूं, छीन लूं थोड़ी देर के लिए, मेरे पास में ऐसी कोई मशीन हो कि आपके माइंड में कोई प्लग लगाया और आपकी याददाश्त गायब, पूरे तरीके से ब्लैंक, सब भूल गए, तो क्या अभी इस मोमेंट में कोई प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में? पास्ट ही फ्यूचर को पैदा करता है। अगर आपकी याददाश्त पूरी तरह से निकाल दी जाए, उन पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेस पे एक फ्यूचर प्रोजेक्शन चल रही है कि मैं ये था और मुझे ये बनना है, मतलब कोई भगवान की वजह से सफर नहीं कर रहा, जो उन्होंने अपनी पास्ट से रिलेटेड कहानी माइंड में बना रखी है उसकी वजह से या तो सफर कर रहे हैं, उसकी वजह से कुछ हो रहा है, उसी की वजह से सब कुछ हो रहा है। तो किसी तरीके से अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, तो जो आप एक्सपीरियंस करोगे उसको बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। बचपन से लेकर आज तक जो भी चीजें आपने अपने दिमाग में बिठा रखी है, एक पूरी की पूरी कहानी बना रखी है और उस कहानी के साथ में आप जुड़े हुए हो, ये वो आई है, ये आपको खुल के जिंदगी जीने नहीं दी, इसी की वजह से सारे डर हैं। आई इज नथिंग बट योर पास्ट एक्सपीरियंस। ये अच्छा और बुरा, इन दोनों के बीच में हम पिसते चले जा रहे, खुद को खोकर खुद को पालूंगा। किसको खोया आपने और क्या पाया? हम वो कोने से डरते हैं जो है ही नहीं। जैसे ही पास्ट में ध्यान गया, फ्यूचर ऑटोमेटिकली क्रिएट, फ्यूचर में ध्यान गया, पास्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट। जब आप पूरी तरह से इन चीजों को समझ जाओगे, अंदर तक जाकर के गढ़ जाओगे, क्या फर्क होगा? मेमोरी पड़ी रहेगी, याददाश्त पड़ी रहेगी, लेकिन आपका ध्यान वहां से हट करके यहां आ जाएगा। 24/7 यू विल बी देयर इन द प्रेजेंट मोमेंट। अब ऐसा नहीं है वो याददाश्त मर गई, उस याददाश्त में से इस वक्त जिस चीज की जरूरत होगी वो आप नहीं जाओगे वहां पे जाकर के लेकर के नहीं आओगे, आप उसके बारे में सोचोगे नहीं, अपने आप वहां से निकल करके आओगे। पास्ट में जाकर के आप कुछ बदल सकते हो? नहीं कर सकते। फ्यूचर में जा सकते हो, जी सकते हो, फ्यूचर में प्रेडिक्ट कर सकते हो फ्यूचर को? नहीं कर सकते। तो बचा क्या? आप चाहो भी तो पास्ट और फ्यूचर में नहीं रह सकते। यू डोंट हैव अ चॉइस। या तो ऑप्शन होता तब समझ आता, चलो यार इन तीनों में से एक को चूज कर लो। यू डू नॉट हैव एन ऑप्शन। तो आपको सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखना है, इस प्रेजेंट मोमेंट में गड़े रहना। इसी को बोलते हैं स्थिर प्रज्ञा। प्रज्ञा मतलब विजडम, जो किसी स्कूल में किसी कॉलेज में नहीं सिखाया जा रहा। उसका जवाब सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में है। वो जवाब कहां मिलेगा? भगवद गीता में मिलेगा, वेदों में मिलेगा, उपनिषद में मिलेगा, कुरान में मिलेगा, बाइबल में मिलेगा और ऐसी हजारों बुक्स में मिलेगा। और जब तक आप ये नहीं सीखते, इस दुनिया में कुछ भी बना लो वो कब पास्ट हो जाएगा पता नहीं। प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखना है, यही स्पिरिचुअलिटी है। ये मेडिटेशन का लास्ट गोल है। सपनों की दुनिया में कभी स्वर्ग देख रहा है, कभी नर्क देख रहा है, कभी ये देख रहा है, कभी वो देख रहा है, क्या फायदा? समझ गए? मेडिटेशन का लास्ट गोल क्या है? इमेजिनेशन से बाहर निकलना। पास्ट इज एन इमेजिनेशन, फ्यूचर इज एन इमेजिनेशन, प्रेजेंट मोमेंट में गड़े रहना। सो सिंपल, मतलब दुखों का अंत, जब सारे दुख खत्म हो जाएंगे। दुख कब खत्म होंगे? जब पास्ट खत्म हो जाएगा, या ये कहो पास्ट से अटैचमेंट खत्म। पास्ट रहेगा, पास्ट है, पास्ट से अटैचमेंट ना वहां कुछ है ना यहां कुछ है, यहां है ना, कोई अलग नहीं। ना साइंटिफिकली हम एक दूसरे से अलग है, ना स्पिरिचुअली हम एक दूसरे से अलग है, सिर्फ माइंड के लेवल पे, अपनी इमेजिनेशन के लेवल पे हम एक दूसरे से अलग हो रहे हैं और खुद ही सफल कर रहे हैं। जिस दिन आपको ये ज्ञान हो गया, इसको बोलते हैं आत्मज्ञान, जिस दिन आपको ये ज्ञान हो गया कि हम सब एक हैं, कहीं कुछ अलग है ही नहीं। अभी जैसे ही हमारी याददाश्त गई, तो वही जो मेरे अंदर से देख रहा है वही आपके अंदर से देख रहा है, वही जो मेरे अंदर से सुन रहा है वही आपके अंदर से सुन रहा है। वो एक ही धागा है जिसने हम सबको पिरोया हुआ है।